अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो नम्स की अपडेट्स के बारे में है। नम्स की टेस्ट में 7 और 8 डेज रह गए हैं। 16 अक्टूबर को टेस्ट है, संडे वाले दिन टेस्ट है। नम्स के एप्टीट्यूड टेस्ट, नम्स के रोल नंबर स्लिप्स, नम्स की लास्ट डेज कैसे तैयारी करें और नम्स का टेस्ट किस बुक से आता है, आज हम रोल नंबर स्लिप्स वगैरह सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको बताऊँगा नम्स की रोल नंबर स्लिप के बारे में। स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, तो पहला क्वेश्चन यही है कि जो नम्स का जो रोल नंबर स्लिप्स है, पहले तो आप चेक करें कि नम्स की जो भी अपडेट्स आएंगी नम्स की वेबसाइट पे आएंगी या नम्स अब आपको ईमेल करेगा। तो देखिए, जो आपने दी है सारी अपना ईमेल वगैरह दिया है, क्या आपने वो सही दिया है या गलत दिया है, रजिस्ट्रेशन टाइम, तो वो चेक। और दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स, एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में मेरा मकसद ये नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट करना और मैं मैक्सिमम आपको नेसेसरी अपडेट्स दे दूं कम वक्त में। मेरा तो यही मोटिव है, क्योंकि आपका टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, जो एप्टीट्यूड टेस्ट की बात आती है, पहले ये होता था कि एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर नहीं होते थे, कोई भी उसकी वेटेज नहीं होती थी, सिर्फ 100 नंबर का होते थे और 30 मिनट होते थे। स्टूडेंट, इस बार भी कुछ ऐसे सीन है कि 100 MCQs हैं और 30 मिनट हैं आपके पास। तो स्टूडेंट्स, इस बार उन्होंने 5% वेटेज रखा हुआ है इसमें नम्स टेस्ट में। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको इस बारे में बता दूं कि जो नम्स का टेस्ट है इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में आता क्या है। स्टूडेंट्स, बी अ डॉक्टर, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो आपकी जनरल व्यू चेक करते हैं, आप कैसे फेस करते हैं कोई मुसीबत आपको आ जाए, तो कंट्रोल आप में कितना है, इसका कोई रिजल्ट, इसका कोई उन्होंने वो सिलेबस वगैरह नहीं दिया। तो सिलेबस नहीं है तो टेस्ट 5% से वेटेज है, तो इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है। तो सिर्फ आपका एप्टीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका जनरल पॉइंट ऑफ व्यू चेक करने के लिए टेस्ट है। तो स्टूडेंट्स, 5% वेटेज है तो टेस्ट बहुत आसान होगा और इसमें कोई लॉजिक और रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है। और दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स, हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो हमें 1% बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए 5% है तो बहुत आसान होगा, हर बच्चा क्लियर कर लेगा। स्टूडेंट्स, नम्स के बारे में बता दूं कि नम्स की तैयारी कैसे करनी है और नम्स के लास्ट डेज कैसे प्रेप करने हैं। लास्ट 7 डेज में जो नम्स का टेस्ट होता है वो इस पर नम्स का नया नाम आया है, MDCAT, नम्स फॉर MDCAT, तो ये नया नाम आया है। तो बात ये है कि जो भी आपने पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना, और टू द पॉइंट बात करूँ तो ये है कि फेडरल लाजमी पढ़नी है आपने। फेडरल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि फेडरल में मोस्टली MCQs बुक लाइंस आती हैं। फेडरल की बुक्स को लाजमी रीड करें। अगर आपने अपने एक सिंध से हैं, KP की से हैं, तो जिस मर्जी इलाके से हैं तो फेडरल लाजमी पढ़ें, फेडरल में से पेपर लाजमी आएगा। और दूसरी बात कि नम्स जो बच्चे MDCAT दे रहे हैं वो नम्स भी दे सकते हैं, और जो नम्स दे सकते हैं वो MDCAT भी दे सकते हैं। और नम्स का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, 40% आपकी FSC है, 10% मैट्रिक है और 50% नम्स है। इस बार नम्स के आपको नम्स के लिए MDCAT नेसेसरी नहीं है। स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी बात हुई है कि नम्स के लिए आपका MDCAT रिक्वायर नहीं है। जो स्टूडेंट्स MDCAT में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो अपना नम्स में बहुत अच्छा करके नम्स को क्वालिफाई कर लें। नम्स के कुछ मेडिकल, जो भी आपने नम्स में आपने किसी भी आपने कैरियर कॉलेज में, नम्स के एफिलिएटेड कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है तो आपको नम्स क्लियर करना लाजमी है। स्टूडेंट्स, नम्स दे रहे हैं, नम्स अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी और कामरानी से नवाजे। नम्स 16 अक्टूबर को है, तो ध्यान से इस बार टेस्ट अगर UHS नम्स का लेती है तो नम्स में कंसेप्चुअल MCQs बहुत आएंगे। स्टूडेंट्स, अगर किसी को किप्स का पोर्टल चाहिए नम्स के लिए या और आपको स्टेप का चाहिए तो मुझसे रब्ता कर सकता है। ओनली वो स्टूडेंट जो डिजर्विंग हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें तो मैं, या मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज करें तो मैं उनको स्टेप का और किप्स के पोर्टल में से कोई पोर्टल आता फरमा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं है।
हमारा मेन मकसद यही होता है कि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा परफॉर्म करके एक अच्छे ओहदे तक पहुंच जाए। और बातें तो बहुत हैं और बातें फजूल भी नहीं हैं, मेरा मेन मकसद आपको गाइडेंस परफॉर्म करना होता है। स्टूडेंट्स एमडी कैट के लिए ए मैक्सिमम 1 मंथ रह गया है, तो एमडी कैट के लिए आपको यही मैं मशवरा दूंगा कि अभी से अपना एक स्केड्यूल बना लें। जो स्टूडेंट्स स्टेप या किप्स की प्रेप छोड़ के आ गए हैं, उनका नया सेशन स्टार्ट हो गया है, तो वो नया सेशन ज्वाइन कर लें। स्टूडेंट नम्स के लिए आपको बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे नम्स का आपको FLPs मिल जाएंगी, नम्स के पास पेपर भी मिल जाएंगे, लेकिन इस बार नम्स कुछ नए तरह का है, तो UHS अगर ले तो बहुत डिफिकल्टी कंसेप्चुअल MCQs आएंगे। स्टूडेंट फिजिक्स और इंग्लिश का आप क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा, किप्स और कैट से आप लाजमी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो किप्स की बुक्स थी उनमें से वही MCQs आए थे, जो टू द पॉइंट आए थे, जो लाइन थी किप्स कैट्स की बुक्स की तो वही लाइन आई थी। अब बातें मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने आप को पीछे ना कीजिएगा, कोई बात नहीं, बहुत लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो नम्स एक ऐसा टेस्ट है जो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। अपना वक्त ज़ाया ना करें और जो आपको बातें बताई गई हैं उस पर अमल करें, अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर होगा। सुन दूसरी बात है कि हमारा एमडी कैट भी करीब है, कुछ लोगों ने नम्स के लिए अप्लाई नहीं किया, तो वो एमडी कैट में क्या कर रहे हैं, एमडी कैट के स्केड्यूल के बारे में, लास्ट मंथ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बारे में आप कुछ बता दूं कि जो एमडी कैट का टेस्ट है वो इस बार पीएमडीसी ले रही है, और पीएमडीसी में पहले बता चुका हूं फिजिक्स और इंग्लिश का पोर्शन बहुत मुश्किल तरीन होता है। मुश्किल तरीन इसलिए निकलता है लफ्ज़ मुंह से क्योंकि कंसेप्चुअल होता है, और हमारा जो पाकिस्तानी तालीम का सिस्टम है वो सारा क्रैमिंग सिस्टम है, इस वजह से लफ्ज़ मुश्किल निकलता है। तो आपने फिजिक्स और इंग्लिश पे खासी तवज्जो देनी है। और स्टूडेंट स्केड्यूल के बारे में ये बताता चलूँ कि स्केड्यूल जो आपने बनाना है वो स्केड्यूल जो होगा, पहले वो चैप्टर आप प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट में रखें जो आपको नहीं आते। स्केड्यूल में हमेशा वो चैप्टर पर रखते हैं जो आपको नहीं आते। स्टूडेंट्स आप तो रिविजन टाइम है, एमडी का डिले हुआ था तो स्टूडेंट्स सबसे तैयार थे, अब रिविजन टाइम है तो आप स्केड्यूल थोड़ा बड़ा बनाएं कि 15 डेज में आप सारी रिविजन कर सकें, और 15 डेज में आप क्रैश टेस्ट, हाफ FLPs और फुल FLPs को सोल्व कर सकें। तो नम्स के लिए आप अपेयर हों, नम्स का कोई चांस नहीं है डिले होने का, तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। और स्टूडेंट्स बड़ी अहम बात मैं आपको बताता चलूं कि जो नम्स का टेस्ट होता है वो 150 मार्क्स का होगा। तो जो नम्स का टेस्ट है उसमें बायो जो होगी वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट टाइम इंग्लिश का तो बहुत आसान सा आया था टॉपिक्स वगैरह, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लास्ट टाइम के कुछ पेपर्स पढ़ लें, लेकिन पेपर इस बार UHS ले रही है। और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम बताएंगे क्या पॉलिसीज हैं, तो अभी वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई है, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला साहब को कामयाबी और कामरानी से नवाजे। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे व्यूवर्स हैं, हमें वॉच करते हैं, हमने सब्सक्राइब किया हुआ है। मेरा कोई भी मेन मकसद नहीं है कि मैं अपने यूट्यूब में इतना अर्निंग करूँगा, इतने फॉलोअर्स फैन, आप ना सब्सक्राइब करें, एक हमारी वीडियो सिर्फ वॉच कर लिया करें, तो आपके आपको गाइडेंस मिल जाए। जाकर लाओ खैरा।